तेरा बन जाए। आइए ना। अरे आइए पापा, क्या सोच रहे हैं आप, चलिए ना अंदर। आदर्श बेटा, बेटा इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की क्या जरूरत है, बेवजह पैसे बर्बाद करने वाली बात है और कुछ नहीं। हम ऐसा करते हैं कि हम सब चुन्नी हलवाई के यहाँ चलते हैं, वहां पर छोले भटूरे या फिर कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे और क्या। चलो बेटा वहीं चलते हैं। पापा देखिए, बचपन से हम उस चुन्नी हलवाई के छोले भटूरे खाते आ रहे, लेकिन आज हम सब यहीं खाएंगे बता रहे, और अच्छे से खाएंगे। देखिए आप पैसे की चिंता मत कीजिए, हम है ना, बस आप हमारे साथ अंदर चलिए, चलिए और सब चलिए चलिए। अरे ससुर जी, तुम भी ना इसे क्या सोचते रहते हो, जब आदर्श कह दिया है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है तो मत करो ना, चलो चलो अंदर चलो। आइए ना पापा, सोचिए मत, चलिए चलिए। सॉरी मैडम। बैठो ना, आओ। मैडम ये टेबल रिजर्व्ड है। हाँ तुमको बताए थे हम क्या खाएंगे, तू ही मिनट रुक जाओ है? नहीं मैडम, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए। का बोले तू? हम यहाँ नहीं बैठ सकते का? नहीं मैडम ये रिजर्व्ड है। को बात बता, हमारे बदन में कौनो कांटा लगा है का के अगर हम तुम्हारी गद्दे पे बैठेंगे तो ये गद्दा फाड़ देंगे, बताओ। कोमल क्यों बेमतलब की बहस कर रही हो, देखो ये टेबल किसी ने पहले से ही लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठ सकते, चलो वहाँ बैठते हैं। उठ जाए, अरे हम कहीं उठ जाए। और हम कौनो मुफ्त का नहीं खा रहे, अरे जितना खाएंगे उनका पैसा दे के जाएंगे यार। और का बे, ये कौनो होटल है कि सिनेमा हॉल? अरे जो उन लोग यहाँ आने वाले थे वो नए आए हैं, हम ये टेबल खाली देखे समा के बैठ गए, तो तुम क्या करबो, अपने ग्राहक को यहाँ से उठाबो का? यही सिखाया तुम्हारे मालिक ने तुमको? अरे और तुमको एक बात बताई, बाइस्कोप खरीद के ना या भैंस का तबेला नहीं बनाया ना तो हम भी ठाकुर सज्जन सिंह की बेटी नहीं है, बताए रे तुमको। अरे कोमल ये क्या कर रही हो तुम, देखो हम यहाँ खाना खाने आए हैं, बहस नहीं करने आए, चलो हम वहाँ खाना खाएंगे, उधर चलो आओ हमारे, चलो उधर आओ, आ जाओ आ जाओ। सर मेन्यू। थैंक यू। नाम के साथ फोटो का ही लगाते हैं, अरे हमको कैसे पता चलेगा कि का सब्जी में का है, ऐसे बस उल्टा सीधा लिख दिया सब कुछ। देखो अगर हमको भिंडी खाना हो और हम भिंडी मंगवाए तो तुम करेला ले आओगे तो हम क्या करेंगे बताओ? कोमल तुम चिंता मत करो, हम मंगवाते हैं, अच्छा मंगवाएंगे, तुम्हें अच्छा लगे, सीधा पकड़ो ऐसे। आदर्श बेटा ऐसा करो कि दो दाल और दो कोई अच्छी सी सब्जियां और कुछ रोटियां मंगा लो, बस इसी में से हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। पापा आप रिलैक्स रहिए, हम सब कुछ अच्छा खाने आए हैं, अभी दाल रोटी तो रोज घर पे खाते हैं, तो आज कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हैं। भैया पापा के लिए तो उनकी फेवरेट दाल मखनी, और आरुषि आरुषि मिक्स वेजिटेबल, ठीक है। और आप तो पनीर मसाला खाएंगे, आपका फेवरेट है, एक पनीर मसाला कीजिए, और दादी की तो फेवरेट उनकी भिंडी की सब्जी है, दादी खाएंगे ना, एक भिंडी की सब्जी और
हम और कोमल खाएंगे शाही पनीर, ठीक है? ये सब ले आइए और सबके लिए बटर ला, ठीक है? थोड़ा जल्दी। जी सर। सर और कुछ भी? और कुछ लेना तो ऑर्डर कर दीजिए। अब सलाद मंगवा लेते सभी के लिए। आरुषि, यह सब कुछ आगे बहुत महंगा है। अब नहीं नहीं आदर्श, आगे बहुत कुछ हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। आरुषि, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर ना वही सलाद घुमा फिरा कर बेचते रहते हैं। तुम ऐसा करो, घर चलकर ककड़ी, गाजर और टमाटर काट के खा लेना। अरे यहाँ से लाख गुना अच्छा होगा। आदर्श सुनो ना, हमको भी तंदूरी मुर्गा मंगवा दो ना। ये सब नहीं मिलता, ये तो ये शाकाहारी जगह है। तुम झूठ काहे बोल रहे हो? हमको मालूम है यहाँ चिकन मिलता है। वो देखो ना, वो मोटा सांड कैसे चबा चबा के घाट रहा है। ए आदर्श, हमको मंगवाए दो ना। मंगवा दे। ए भैया, वो जैसे वो आदमी खा रहा है ना ऐसा मुर्गा, एकदम वैसा ही वाला मुर्गा ना हमको यहाँ लाए दो फटाफट, एकदम मसालेदार। वो क्या कहते हैं, तंदूरी मुर्गा। ठीक है मैडम, चलो जाओ। थैंक यू। आदर्श, हमारा तंदूरी चिकन काहे नहीं आ रहा है? अरे क्या बात है, ये हमारा खाना आ गया। लाओ लाओ। अरे वैसे सजाओ मत यार, हमको पेट में ही तो डालना है। चलो जाओ यहाँ से। भोलेनाथ, आज तक का किया कराया पूजा पाठ सब बेकार हो गया। अरे भैया, आप लोग इस तरह रुक क्यों गए? खाइए ना सब लोग। माँ, आप भी खाइए ना। प्रतिज्ञा बन जाए। या सो देखने वास्ते जिगरो लागे है जिगर, अगर है ते आके देख लो